हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तन्मय और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस से किसी का भी वाईफाई जो है कैसे हैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है WPS टेस्टर। तो ये एप्लीकेशन आपको जो है प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी और मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसकी मदद से किसी का भी वाईफाई कैसे हैक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक बार वाईफाई ओपन करके देख लेते हैं। देखिए मैं जो वाईफाई की सेटिंग्स में जो है जाता हूँ तो आप नीचे से देख सकते हैं टीपी लिंक जो है लिखा आ रहा है। तो देखिए आप इसके लिए जो है पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि जो अभी जो है कनेक्टेड नहीं है इस डिवाइस से, जो वाईफाई है ये कनेक्टेड नहीं है। तो अब देखिए मैं इसको ऐप को ओपन करता हूँ, यहाँ से नीचे जो ऐप दिया है इसको ओपन करने के बाद यहाँ देखिए टीपी लिंक लिखा हुआ है। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का साइन है, यानी कि ये WPS इनेबल्ड है। तो जो भी डिवाइस WPS इनेबल्ड होती है सिर्फ वही डिवाइस जो है कनेक्ट हम कर सकते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो है कनेक्ट ऑटोमेटिक पिन। इस पर क्लिक करते ही देखिए लिखा आ रहा है ट्राई टू कनेक्ट, नो रूट वाला मेथड जो है ये ट्राई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सक्सेस लिखा आ गया है, ऊपर जो है वाईफाई का साइन जो है आ गया है और नेट की स्पीड जो भी है दिखाई दे रही है। एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये टीपी लिंक कनेक्टेड लिखा आ गया है। अब इसके बाद जो है एक बार नेट चेक कर लेते हैं, नेट चल रहा है या नहीं। तो आप देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ क्रिकेट स्कोर। तो देखिए जो है नेट अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर अब ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।